वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उन्होंने 1-8 अप्रैल 2018 को एग्जाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का। उसके अंदर 60 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हिंदी के, उसमें से इस वीडियो के अंदर हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। और ये गाइस, ये अधिकारी समीक्षा अधिकारी का है, मतलब कॉन्स्टेबल का में जो हिंदी आएगी वो इससे नीचे की आएगी, इससे अपर लेवल की नहीं आएगी। तो इस पेपर को मैं लेके आया हूँ, आई होप इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको किस प्रकार पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी और आपकी हिंदी की प्रिपरेशन कैसी हुई है वो आपको मालूम हो जाएगा। साथ के साथ आप जवाब देते रहना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुछ खास शर्त पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होता है। कुछ खास शर्त पर किसी कार्य को करने का समझौता करने के लिए उनमें से कौन सा शब्द है? कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा? फटाफट कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर है, आपका जवाब आना चाहिए मेरे जवाब देने से पहले, तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा डी, संविदा। संविदा बोलते हैं किसे? कुछ खास शर्त पर कार्य को करने का समझौता के लिए हम यूज करते हैं संविदा। संविदा होता क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षों के बीच ऐसा ऐच्छिक समझौता जिसके अनुसार किसी पक्ष द्वारा प्रतिज्ञात कृत्य के बदले दूसरे पक्ष पर किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करने का दायित्व हो, संविदा बोलता है। या फिर कुछ खास शर्तों पर किया गया समझौता, उसे भी हम संविदा ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए, जो अपने सहारे पर रहता है उसके लिए क्या होगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, बलिष्ठ या आत्मविश्वास? उसके लिए होगा स्वावलंबी। तो हमारा इसका आंसर होगा सेकंड का ए, स्वावलंबी। अब आत्मनिर्भरी क्या होता है? आत्मनिर्भर जो खुद पर निर्भर हो, तो ये तो नहीं होगा। अपना सहारा बोला तो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, ठीक है। ये अर्थ की दृष्टि से, शब्द संरचना की दृष्टि से ये सब शुद्ध नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आत्मनिर्भर नहीं होगा, स्वावलंबी होगा। बलिष्ठ, शक्तिशाली, बलिष्ठ का मतलब होता है शक्तिशाली। और आत्मविश्वास, जिसका अपने ऊपर क्या हो, विश्वास हो, तो इसका हमारा आंसर होगा सेकंड का है, स्वावलंबी। क्वेश्चन नंबर 3, अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अपरमेय का क्या अर्थ है यहाँ पर आपको बताना है। जो तोला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो, आपको बताना है कि अपरमेय का क्या शब्द है, क्या अर्थ है। तो अपरमेय होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। तो हमारा इसका आंसर होगा, थर्ड का आंसर होगा हमारा सी। थर्ड का आंसर क्या होगा? सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है, वो होता है अपरमेय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? जो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को विजित, विजेता, जिगीसु, जिज्ञासु? फटाफट कमेंट करो फोर्थ का आंसर क्या है। गाइज, मेरे जवाब देने से पहले आपको जवाब देना। जिगीसु, तो हमारा इसका आंसर होगा जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की जिसे इच्छा हो उसे बोलते हैं हम जिगीसु, ठीक है। अब बात करते हैं विजित। विजित क्या होता है? विजित होता है जिसको जीता गया हो, जिसको जीता गया हो उसके लिए हम यूज करते हैं विजित। विजेता, जो विजयी हुआ हो, और जिज्ञासु, जिसे और जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु होता है जिसे और जानने की इच्छा हो। विजेता, जिसने विजय प्राप्त की हो। विजित, विजित होता है जिसको जीता गया हो। तो यहां पर किसी पर विजय प्राप्त करने की अगर आपकी इच्छा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जिगीसु। क्वेश्चन नंबर 5, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? शास्त्रज्ञ, सूर्य, असूर्यम पश्या, स्त्रैण या दुर्नि विचार? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, असूर्यम पश्या। शास्त्रज्ञ क्या होता है? शास्त्रज्ञ होता है वह स्त्री जिसे शास्त्र का ज्ञान हो, उसके लिए हम यूज करते हैं शास्त्रज्ञ। अब बात करते हैं स्त्रैण, स्त्रियोचित गुण वाला, जिसके अंदर स्त्री के गुण हो, स्त्रियोचित गुणों वाला। दुर्निविचार, दुर्निवार, सॉरी, दुर्निवार का क्या होगा? जिसका निवारण कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो, उसके लिए हम यूज करते हैं दुर्निवार। तो आपको चारों वर्ड के मतलब मालूम हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? जो अनुसूचित बात का आग्रह करे, जो बात सूचित ना हो, अनुसूचित हो, उसके लिए दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो हमारा इसका आंसर होगा इसका सी, दुराग्रही। क्या होगा? दुराग्रही। अब दुराग्रह क्या होता है, एक ही बात करते हैं। दुराग्रह होता क्या? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला होता है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था अनुसूचित बात के लिए, अनुसूचित बात के लिए, तो वो उसका दुराग्रह होता है। और अनाग्रही छोड़ो,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? अप्रत्याशित, आस्थित, आशाजनक या प्रत्याशित? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। आस्थित का मतलब होता है आशा से परे या आशा से बढ़कर, ठीक है। आशाजनक, आशाजनक का मतलब होता है आशा के अनुरूप। और प्रत्याशित, जिसकी पहले से आशा हो, और जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं अप्रत्याशित। गाइज, मैं साथ के साथ आपको सारे वर्ड्स के मतलब बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं पूछ के वो पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि वो एग्जामिनर ने ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, राजा द्वारा निकाला गया आपराधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राजा द्वारा निकाला गया आपराधिकारिक आदेश के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा अध्यादेश। क्या होगा? अध्यादेश। अब अधिनियम क्या होता है? अब बात करते हैं अधिनियम क्या होता है। अधिनियम होता है विधि के अंतर्गत बनाया गया नियम, किसी कानून वगैरह के अंतर्गत रख के किसी विधि द्वारा बनाया गया नियम, उसे बोलते हैं अधिनियम। अधियाचना क्या होती है? अधियाचना होती है अधिकार पूर्वक मांगना, अधिकार पूर्वक मांगना। और अधिसूचना, विशेष सूचना। अधिसूचना, विशेष सूचना। और ये होता है अध्यादेश, राजा द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आदेश। राजा द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आदेश, आपराधिक नहीं होगा ये, आधिकारिक भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नवोड़ा, प्रवत्स्यत, पतिका, प्रोषित पतिका या आगत पतिका? जिसका पति प्रदेश गया हो, विदेश गया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोषित पति का, ठीक है। नवोड़ा होती है जिसकी नई नई शादी हो, वह स्त्री जिसकी नई शादी हुई हो। और आगत पति का, आगत पति का हम यूज करते हैं जिसका पति विदेश से आया हो। और प्रोषित पति का, जिसका पति विदेश गया हो। क्वेश्चन नंबर 10, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, तो पैर से सिर के लिए क्या होगा? सिखनक, सिरोपर, पदामस्तक या आपदमस्तक? तो पैर से सिर तक के लिए हम यूज करते हैं आपदमस्तक, आपदमस्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम बताना है आपको क्या होगा। तो उपयोग का विलोम क्या होता है? अनुपयोग। क्या होगा? अनुपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। तो समुपयोग किसका होता है? अब बात करते हैं सदुपयोग का होता है दुरुपयोग, समुपयोग का क्या होता है और ये आपको बताना है, और अनुप्रयोग, ठीक है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, निषिद्ध के लिए सही विलोम आपको बताना है क्या होगा? सिद्ध, अनिषेध, विहित या घृणित? फटाफट कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। तो 12th का हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है? इन चारों में से आपको बताना है शुष्क का विलोम क्या है, उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा आर्द्र। क्या होगा? आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है। तो हमारा इसका आंसर होगा सूक्ष्म भी है, दुर्बल भी है, लेकिन जो शाश्वत है वो स्थूल का विलोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथक का सही विलोम क्या है? एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित? तो पृथक का जो विलोम है वो होगा संयुक्त। क्या होगा? संयुक्त। और थकित का होता है स्फूर्त, जो थका हुआ, और स्फूर्त जिसके अंदर तेजी हो, स्फूर्त। और सुगठित का होता है विघटित, सुगठित का होता है विघटित, थकित का होता है स्फूर्त। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म, मतलब जो एकदम सही पेयर है जिसमें विलोम शब्द एकदम सही लिखे हुए हैं, इप्सित का अभिप्सित होता है कि नहीं होता है, अमित, शमित, हया, बेहया, अघि, निरग? तो जो एकदम सही युग्म है, सही जोड़ा है, वो है हमारा इसका अधि निरग, अधि निरग। यह है अधि, अघि नहीं है, अधि निरग। क्वेश्चन नंबर 17, जो गलत है, जिसका विलोम शब्द गलत लिखा हुआ है, आपको वो छाटना है। दक्षिण, वाम, उधम, निरुधम, विधि निषेध, बर्बर, सभ्य? फटाफट कमेंट करो आंसर क्या है। तो हमारा इसका आंसर होगा 17th का बी, उधम और निरुधम। ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, उधम और निरुधम, क्योंकि उधम का विलोम आलस्य होता है, उधम का विलोम होता है आलस्य, और निरुधम का होता है आलसी। तो इसमें ये फर्क है, बाकी सब सारे जो तीन पेयर है ये सही है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें भी वही बताना है कि कौन सा का विलोम शब्द सही नहीं है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनिभस्त? आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो हमारा इसका आंसर होगा ए, अल्पज्ञ, बहुज्ञ सही नहीं है।
क्योंकि अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला और बहुज्ञ अर्थ होता है बहुत अधिक जानने वाला। तो इस दृष्टि से दोनों विलोम अर्थ में शुद्ध युग्म है, और हमें क्या बताना था, अशुद्ध बताना था। ठीक है, तो इसका 18th का तो शुद्ध हो गया ये, तो हमारा जो अशुद्ध होगा वो होगा 18th का, हमारा आंसर होगा। आप बताओ 18th का जो भी आंसर होगा फटाफट कमेंट करो, इसका जवाब आप दो। क्वेश्चन नंबर 19, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा ठीक नहीं है। सचल अचल, सचल चल, निरपेक्ष सापेक्ष, बंधन मोक्ष, मौलिक अनुदित, तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है सचल अचल। कौन सा नहीं है? सचल अचल, सचल और चल, ये सही नहीं है। ठीक है, सचल का होता है चल, निरपेक्ष होता है सापेक्ष, मौलिक होता है अनुदित, और बंधन क्या क्या होता है? मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही। क्वेश्चन नंबर 21, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में जो दुष्चरित्र है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो हमारा इसका आंसर होगा क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा वो होगा विशेषण। तो क्या है ये? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 22, दुष्चरित्र व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या बता रहा है वो, कि व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र, तो ये होगा विशेषण। उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण का चयन बताना है, आपको बताना है कि इसके अंदर विशेषण कौन सा है। उसका लड़का लंबा है, तो क्या है? लंबा। लंबा क्या बता रहा है? विशेषण। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? बी। 23, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा इसका आंसर होगा विशेषण एवं विशेष्य। पांडु क्या होगा? विशेषण एवं विशेष्य दोनों होगा, क्योंकि जो पांडु शब्द होता है संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि जो पांडु शब्द है संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें आपको विशेषण बताना है क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमारा इसका आंसर होगा चतुर। क्वेश्चन नंबर 25, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण है आपको बताना है? इस वाक्य के अंदर टोटल 4 विशेषण है, कौन कौन से आपको कमेंट के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? आपके सामने 4 शब्द है, आपको बताना है इनके अंदर से कौन सा विशेषण है। तो क्रोधी, कंठक, चुनौती या राई, इस वाक्य के अंदर क्रोधी और राई दोनों ही विशेषण है। अगर आंसर होगा तो ए डी, क्योंकि ये मिसप्रिंट था, तो हमारा क्या होगा? दोनों ही शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 27, लाख लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या है? लाख लोगों ने इसे महसूस किया, तो लोगों की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या होगा? लाखों। तो क्या होगा इसमें विशेषण? सी, लाखों। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है? विशेष्य। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें आपको विशेष्य बताना है। तो इसके अंदर जो विद्यार्थी है वो है विशेष्य, क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है। तो विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, तो विद्यार्थी क्या होगा? विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 30, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, किन शब्दों में विशेषण है और विशेष्य संबंध है नहीं है? आपको बता किन शब्दों में विशेषण और संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, पुलिस की लापरवाही में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो कुलंकशा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि हंसतुता, अर्कजा और कृष्णा, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिक पर्यायवाची होता है बाण का, किसका? बाण का। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची क्या है? खर। खर क्या होता है? खर होता है दुष्ट या तिनका, खर होता है दुष्ट या तिनका, तो इसमें क्या होगा? दोनों हो सकते हैं, दुष्ट भी और तिनका भी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मिसप्रिंट होकर आ जाता है, तो ये एग्जाम की गड़बड़ी है। तो लेकिन खर के ये दोनों पर्यायवाची, दुष्ट भी और तिनका भी। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़े के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? बाजी होता है, क्या तुरंग होता है? बिल्कुल होता है, बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है, शार्दुल, लेकिन शार्दुल नहीं होता है। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? शेर का। ठीक है,
शार्दुल किसका होता है? शेर का। बाकी ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची है, तो हमारा इसका आंसर होगा सी शार्दुल। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? टीका शब्द का तो हमारा इसका आंसर होगा व्याख्या। टीका क्या होगा? व्याख्या। धनंजय का पर्यायवाची, धनंजय के पर्याय क्या क्या है इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो धनंजय का है गुडुकेश, क्या होगा? गुडाकेश। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी कौन सा है? मीन का समानार्थी जो जिसका अर्थ मीन ही हो, तो हमारा इसका आंसर होगा झक। मीन का क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 का आंसर आपको खुद बताना है कि तलवार का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए और कमेंट करें 38 का आंसर क्या होगा। केतु का इनके अंदर कौन सा पर्यायवाची नहीं है, देखो तीनों चारों ऑप्शन आपके सामने और कमेंट करो। इससे आप थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, अगर आपको चीजें नहीं आती है तो दूर देख कहीं से ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 40, कामदेव का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है? आपके सामने है चारों ऑप्शंस, आपको बताना है कि इनमें से कामदेव का कौन सा पर्यायवाची है। तो गाइज ये थी, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और साथ के साथ कमेंट जरूर करता रहा करो। और आज मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो डाली थी कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, उसका लिंक आपके सामने है, उसे भी देख लेना। मैं जल्दी आपको नई एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।